नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्नोटेक में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हुआ हूं। हमारे पास एक HP स्मार्ट टैंक 316 प्रिंटर बनने के लिए आया हुआ है। ये HP का प्रिंटर है। इसमें समस्या ये आ रही है कि ये ऑन करते ही E4 एरर मार दे रहा है और ये चालू करते ही मशीन आवाज़ कर रही है, घर जैसा आवाज़ आ रहा है और तुरंत ये एरर मार दे रहा है। दोस्तों बने रहिए आप हमारे इस वीडियो पे, मैं आपको यह समस्या लाइव ठीक करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रिंटर में क्या दिक्कत है जिस वजह से चालू नहीं हो रहा है और चालू करते E4 का एरर मार दे रहा है। तो दोस्तों यह समस्या E4 एरर अगर HP के प्रिंटर में मार रहा है तो ये कोडर और ये सेंसर दोनों का हो सकता है। तो ये साइड का ये सेंसर हमने खोल दिया है गियर का, ये देख आप देख सकते हैं, ये गियर के साथ में ये कोडर लगा हुआ है। ये कोडर अपने पोजीशन से खसक गया है जिस वजह से ये सेंसर इसको सेंस नहीं कर पा रहा है। ये मैं आपको सेंसर दिखाने को सॉरी कोडर दिखाने की कोशिश करूँगा। अब ये देख सकते हैं हमने कोडर को स्क्रू ड्राइवर के सहायता से खसकाने की कोशिश किया, ये खसक गया है। ये चारों तरफ अब गियर को मूवमेंट करके इसको अच्छे से चिपका देंगे गियर के साथ में, क्योंकि ये गियर के साथ में ही चिपक के रहता है। अगर ये गियर के साथ में नहीं चिपका रहेगा तो अपनी पोजीशन से खसक जाएगा तो सेंसर इसको सेंस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ये ऐसा एरर मार रहा है। हमने इसको अच्छे से लगा दिया, मशीन रेडी कर दिया है। चलिए देखते हैं प्रिंट आउट लेता है कि नहीं। थोड़ा समय लेगा मशीन रेडी होने में। प्रिंटर चालू कर दिया हमने, तो प्रिंट का कमांड दिया, ये पेपर खींच प्रिंटर को हमने कमांड दे दिया है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट आउट निकाल रहा है, ये प्रिंट आउट करके ये बाहर हो गया है। अभी एक एक करके सब प्रिंट आउट चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी ये मशीन रेडी हुआ है तो हम इसमें कम कम 8-10 पेज प्रिंट आउट करके चेक करेंगे कि अगर समस्या आनी रहेगी तो फिर से ये दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर ये नहीं आनी रहेगी तो ये प्रॉपर मशीन चलेगा, क्योंकि जब प्रिंटर को रिपेयर करते हैं तो टेस्टिंग पेज के लिए 10-15-20 पेज ज़रूरी होता है प्रिंट आउट निकाल के चेक करना। क्योंकि अगर 1-2 पेज चेक करके मशीन को रख देंगे तो समस्या पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो कम कम 8-10 पेज तो बनता है चेक कर।